भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही पावर स्टार नहीं कहा जाता है पवन सिंह। पवन सिंह वो कर जाते हैं जो शायद ही कोई कर जाए। भले ही खेसारी लाल यादव के 6 गाने एक ही दिन में ट्रेंडिंग में बने हों, तो वहीं पवन सिंह के 3 गाने इस बार ट्रेंडिंग में बने हैं। जी हां, होली बीत चुकी है और होली बीतने के एक हफ्ते बाद भी ये सारे गाने ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। फिर वो चाहे स्मृति सिन्हा के साथ पवन सिंह का पहला सॉन्ग हो वाइट वाइट लहंगा वो हो, या फिर श्वेता महारा के साथ जो सॉन्ग है वो 26वें पायदान पर ट्रेंड कर रहा है। हो सकता है ये वीडियो जब तक आए और वो ट्रेंडिंग का पायदान ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हमने स्क्रीनशॉट के तौर पर आपको दिखा दिया है। और वहीं पे वाइट वाइट जो लहंगा है वो 74 पोजीशन पे ट्रेंड कर रहा है और पहले नंबर पे, तो भाई जैसे लग रहा है काबिज हो चुके हैं पवन सिंह, वहाँ से तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है फलनवा वो फरार बहनी। जी हाँ, ये गाना लोगों को बहुत रास आ रहा है। 12 मिलियन हो चुके हैं इसके व्यूज़ और इस गाने को लगातार बहुत ही जनता प्यार दे रही है, और जिस तरह से प्यार दे रही है ये बदस्तूर 1 की ट्रेंडिंग में बना हुआ है। तो पवन सिंह ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता है। जो लोग लगातार पवन सिंह पे उंगलियां उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि पवन सिंह बीते ज़माने की बात न बन जाए, उनके गाल पे करारा चाटा है पवन सिंह का ये तीनों गाना ट्रेंडिंग में आना, जो लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह मेहनत नहीं करते हैं, जी हाँ उनके पर उंगली उठाई जा रही थी कि पवन सिंह शराब के नशे में ही रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, बॉडी नहीं बनाते हैं, जिम में नहीं जाते हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम लेकर ये तीनों सॉन्ग ट्रेंडिंग में आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि काम से जवाब दिया है पवन सिंह ने अपने विरोधियों को, और आगे चैता सॉन्ग उनका जो आने वाला है वो शिल्पी राज के साथ आने वाला है, और ये सॉन्ग वाकई बहुत खूबसूरत है और जल्द ही इस सॉन्ग का पोस्टर रिलीज किया जाएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।